हैं। कमलनाथ की बीजेपी में जाने की अटकलें धीरे धीरे, सूत्रों के हवाले से जानकारी कि कल दोपहर का वक्त होगा जब बीजेपी का दामन थामेंगे कमलनाथ। बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद फैसला संभव है। 2020 के बाद कांग्रेस में सबसे बड़ी टूट की संभावना ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो किया वो आपको याद होगा, और उसके बाद कांग्रेस में अगर कोई टूट मानी जाएगी कि इतिहास रचती है तो ये कमलनाथ की तरफ से हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये तमाम जानकारी जो न्यूज 18 आपके साथ सबसे पहले साझा कर रहा है। कांग्रेस के कई विधायक और नेताओं के दिल्ली पहुंचने की भी खबर है। कमलनाथ के साथ 23 ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी में जा सकते हैं। छिंदवाड़ा के मेयर सभी विधायक शामिल हो सकते हैं। राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा के नाम की भी चर्चा, बहुत करीबी माने जाते हैं वो कमलनाथ के। तरुण भनौत पूर्व वित्त मंत्री भी नाथ के साथ जा सकते हैं। मालवा महाकौशल के कई बड़े नेता भी इस लिस्ट में शामिल हैं। जबलपुर के कुछ क्षेत्रों के विधायक भी, यहां लखन घनगौरिया का नाम भी बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा है। तमाम ऐसी अटकलें जिन्हें लेकर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अकेले नहीं जाने वाले कमलनाथ, इस बात को तो आप मान लीजिए, क्योंकि कमलनाथ जाएंगे तो नकुलनाथ जाएंगे, नकुलनाथ और कमलनाथ की जोड़ी अगर पहुंचेगी तो कोई भी वरिष्ठ नेता जो ये समझता है कि कांग्रेस में शायद उनका भविष्य नहीं है, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी अशरफ काजमी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और भोपाल से प्रशांत कटारे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लगातार हम ये घटनाक्रम अशरफ देख रहे हैं। फिलहाल दिल्ली को लेकर यह सूचना कि कल दोपहर में जो सरगर्मी है वो बढ़ेगी। कुल अवंतिका कल जैसे ही बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन समाप्त होगा उसके बाद जो है राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी, यानी कमलनाथ को लेके जो अटकलें चल रही थी कई दिनों से, या ये कहा जाए पिछले एक सवा महीने से जो अटकलें चल रही थी, हो सकता है कल उन पर विराम लग जाए और कमलनाथ पार्टी कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाए। तो ये एक अटकलें जो चल रही थी, हो सकता है कल दोपहर तक उन पर विराम लग जाए। अभी हालांकि कहीं पर भी इसकी औपचारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो यही है कि कमलनाथ अपने समर्थकों के साथ कल भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और इस बात को या इस तथ्य को या ये जो अटकलें चल रही हैं इसको हवा भी कमलनाथ की चुप्पी ही दे रही है। कमलनाथ क्योंकि सवा महीने से इस तरह की अटकलें चल रही हैं, तो ना तो कमलनाथ की तरफ से, ना ही नकुलनाथ जो उनके बेटे हैं और छिंदवाड़ा से सांसद है, उनकी तरफ से कहीं इन अफवाहों पर या इन अटकलों पर किसी तरह का विराम लगाने का प्रयास नहीं किया गया। आज दिल्ली जब कमलनाथ पहुंचे तो सबसे पहले उनसे बात की गई, तो उन्होंने यही कहा कि जैसे ही कुछ होगा मैं जाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। उन्होंने भी सिर्फ यही कहा कि अगर कुछ ऐसा होगा तो बताऊंगा, लेकिन जो अटकलें थी उस पर विराम लगाने का कोई उन्होंने कुछ नहीं किया, ना तो खंडन किया ना उसका उसे स्वीकार किया। तो इस वजह से ये राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, आज अधिवेशन का भाजपा का पहला दिन गुजर गया और कल ये प्रधानमंत्री के भाषण के साथ दोपहर में खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये और ज्यादा अटकलें हो गई कि दोपहर के बाद कमलनाथ अपने समर्थकों के साथ भाजपा में जा सकते हैं। और कमलनाथ का भाजपा में जाने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश से एक तरह से जो भाजपा कह रही है कि हम कांग्रेस मुक्त कराएंगे, तो उसी कड़ी में एक बड़ा कदम होगा। बिल्कुल, चलिए देखने वाली बात कि कल क्या कुछ होता है। अशरफ बनी रहेगा हमारे साथ, प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, दिन भर से पूरी चर्चाएं आप भी सुन रहे हैं, कल पूरे दिन शायद सुननी भी पड़ेंगी, लेकिन ये भी बताइएगा चूंकि अलग अलग नेताओं के पहुंचने की जानकारी मिल रही है, ये खबर लगी है कि जबलपुर से कुछ विधायक हैं, अलग अलग क्षेत्रों के कुछ विधायक हैं जो दिल्ली शायद पहुंचने वाले हैं। मुझे लगता है कि अगर कमलनाथ नकुलनाथ जा रहे हैं तो कोई नहीं चाहेगा कि जिनका भविष्य उन्हें पार्टी में ना दिख रहा हो वो टिके रहे कांग्रेस में। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, और इसका एक दूसरा पहलू जरूर बता दें कि यहां पर जो कांग्रेस संगठन है, कांग्रेस नेतृत्व है जिसमें जीतू पटवारी और उमंग सिंघार, वो 1-to-1 चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं उन विधायकों से जो संभावित हैं या जो उनके समर्थक हैं कमलनाथ के, ताकि कुछ को रोका जा सके। ये डैमेज कंट्रोल कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। बावजूद इसके फिर भी ये कहा जा रहा है कि लगातार जो कांग्रेस विधायक हैं, समर्थक हैं, वो दिल्ली की तरफ कुछ पहुंचे भी हैं, कुछ अभी निकल भी रहे हैं, रास्ते में भी हैं। इसमें एक और नाम दीपक जोशी का भी मैं जोड़ दूं। दीपक जोशी बीजेपी से कांग्रेस में गए थे, उनकी तरफ से भी ये संकेत मिल रहे हैं कि वो भी कमलनाथ के साथ
वापस बीजेपी में जा सकते हैं। तो ऐसी एक लंबी सूची है, बहुत सारे नाम आप पहले से भी गिना रही थी अवंतिका, इनके अलावा कुछ और नाम अगर जुड़े जो कमलनाथ के बेहद नजदीकी कहे जाते हैं, ये सब महाकौशल क्षेत्र से आते हैं, जो नारदेव से विधायक हैं सुनील उई के, परासिया से सोहन वाल्मीकि, ये सब उस क्षेत्र से, सौंसर से एक विधायक हैं विजय चौरे, ये सारे वो विधायक हैं जो कमलनाथ के बेहद करीबी हैं, छिंदवाड़ा और आसपास के महाकौशल क्षेत्र से ये विधायक चुनकर आते हैं। तो इनकी ऐसे, ये तो आप मानकर चलिए कि कुछ का बिल्कुल तय है जाना, कुछ का जरूर कह सकते हैं कि हो सकता है कि शायद जीतू पटवारी उमंग सिंघार जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब हो जाए, दो चार नाम जा रहा है कि कहीं आप जा तो नहीं रहे। मुझे लगता है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उसके चलते शायद ऐसी स्थिति पार्टी की ना होती। माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, एक और जानकारी साझा करनी है दर्शकों के साथ। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका ये जानकारी साझा करने के लिए अशरफ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कमलनाथ को लेकर खबरें चल रही हैं, तो जीतू पटवारी का बयान आपको सुनाना आज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी में जाने की अटकलों पर उनकी तरफ से कहा गया है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि ये खबर बिल्कुल निराधार है, कमलनाथ बीजेपी में नहीं जा सकते। इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा वो खुद को कहते हैं, लेकिन नकुलनाथ पर जीतू पटवारी ने चुप्पी साध ली। क्या कुछ हुआ है मीडिया के सामने, जीतू पटवारी ने क्या कहा है, सुनाएंगे आपको। निराधार है, कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी दो महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में है। और अब आपको सुना देते हैं संजय सिंह वर्मा का बयान, क्योंकि उनकी तरफ से न्यूज 18 से खास बातचीत हुई, कुछ संकेत उनकी तरफ से भी आए, आप भी सुनिए न्यूज 18 से बातचीत में क्या कह रहे थे सज्जन सिंह वर्मा। तो आप ये बताएं भैया, क्या वजह है डीपी क्यों हटाई गई, अब अटकलों का दौर जारी है? देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मेरा राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन अधिकतर कमलनाथ जी के साथ बीता है। 40 वर्षों से मैं राजनीतिक रूप से कमलनाथ जी के साथ संबद्ध हूँ और मैंने कांग्रेस के लिए जीवन पर्यंत उन्होंने और मैंने काम किया है। यदि मैं जिसे नेता मानता हूँ उसकी प्रोफाइल से कोई चिन्ह हटता है तो प्रतीकात्मक रूप से मैंने भी उसे हटा लिया। कोई कुछ देर पहले कहा कि जब मान सम्मान स्वाभिमान की बात होती है तो कहीं ना कहीं से कुछ दिशाएं बदल। देखिए, किसी आपके पत्रकार साथी ने मुझसे कोई प्रश्न किया कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं, मैंने देखिए एक सूत्र वाक्य भारत के सारे राजनेताओं के लिए है, मान सम्मान और स्वाभिमान, इन चीज़ों के लिए ही आदमी राजनीति और सामाजिक जीवन में काम करता है। यदि कहीं कोई घटना इस तरह की विपरीत होती है तब लोगों के कदम अन्य दिशा में जाते हैं, कमलनाथ जी का संदर्भ नहीं है। आपने सुना और साफ साफ सज्जन सिंह वर्मा कहना है कि कमलनाथ जी जिधर जाएंगे वो उनके साथ जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ अफवाहों का दौर है लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान पर जब आ जाती है तो कहीं ना कहीं से निर्णय लेना पड़ता है। और अब बयान सुनाएंगे आपको दिग्विजय सिंह का, क्योंकि उनकी तरफ से कह दिया गया है कि मैंने कमलनाथ से हाल ही में बातचीत की है, फोन पर बात हुई है, जैसे कमलनाथ दिल्ली गए हैं कांग्रेस छोड़ने का फैसला उन्होंने नहीं किया है, वो ये कह रहे हैं। ये दावा भी कर रहे हैं कि शुरुआत से ही कि कमलनाथ नहीं जा सकते हैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर, साथ ही ये भी शब्द के 50 सालों से एक साथ रहे हैं, अगर रहेंगे तो अंत तक ही साथ रहेंगे। दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं अपने इस बयान को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए कि कमलनाथ से जैसे ही दिल्ली वो पहुंचे बात की है मैंने, वो कहीं भी नहीं जा रहे।
और इस बात पर भी गौर करने की जरूरत कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारे से जो खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं उस पर अगर भरोसा करते हैं तो प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। खबर मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर है। आप समझिए, बहुत बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश के दोनों। चर्चाओं पर भरोसा करें तो प्रदेश कांग्रेस के दोनों बड़े चेहरे बीजेपी का दामन थामने के लिए तैयार है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म है। इन अटकलों पर भरोसा करें तो कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे में इस वक्त ये खबर तेजी से फैल रही है। राजनीतिक गलियारे में चल रही चर्चाओं पर भरोसा करें तो कमलनाथ और नकुलनाथ कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इनके साथ महाकौशल और इसके आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी भगवाधारी होने जा रहे हैं। इसी बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा भी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अब ये तो कमलनाथ जी से आपको ही पूछना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस से राज्यसभा जाने की उनकी दावेदारी खारिज होने के बाद से कमलनाथ नाराज बताए जा रहे हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद से प्रदेश कांग्रेस में बदलाव हुआ और एमपी में पार्टी की भागदौड़ उनके हाथ से चली गई। उसके बाद से राज्यसभा जाने की उम्मीद भी टूट गई। हालांकि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को अभी भी भरोसा है कि कमलनाथ कहीं नहीं जाएंगे। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। कांग्रेस नेता भले ही कमलनाथ नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज करें लेकिन नकुलनाथ के ट्विटर प्रोफाइल बदलने के बाद से इस खबर को और बल मिला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ज्वाइनिंग महाअभियान चला रही है जिसका सबसे ज्यादा असर कांग्रेस पर होता दिख रहा है। पार्टी ने जब से अभियान की शुरुआत की तब से कांग्रेस के कई बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एमपी के राजनीतिक गलियारे में चल रही चर्चाओं पर भरोसा करें तो मौजूदा वक्त में प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब खबर आपको झाबुआ से बताएं जहां एक ट्रक में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम लेकिन फौरन पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया है। बावड़ी गांव के पास की पूरी घटना झाबुआ का जिक्र, ट्रक में भीषण आग की स्थिति रही, किस वजह से आग लगी हालांकि अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है, पता लगाने का प्रयास कर रही है टीम। चूंकि पुलिस की तरफ से अब पड़ताल होगी इस पूरी घटना को लेकर। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अक्सर ओवरहीटिंग के चलते ऐसा होता है, शॉर्ट सर्किट वजह रहती है, हो सकता है कि इस मामले में भी यही वजह रही हो। घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वाहनों की लंबी कतारें चूंकि बाधित हो गया था यहां पर आवागमन। बावड़ी गांव की पूरी घटना, और अब यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का।